हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रांजल सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रांजल सिंह वीपीएन ब्लॉगर में। तो जिन्होंने अभी तक के हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले आगे से जो ब्लॉग हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो आपको तुरंत ही इमिजिएटली मिल सके। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर जो कि जानसर में स्थित है। और इसमें हम मैं थोड़ा कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। कॉलेज में हमारे यहाँ तीन ट्रेड चलती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सभी की ब्रांच में 65 प्लस 5 PWS स्टूडेंट जो हैं पढ़ते हैं और यहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कॉलेज में। तो चलिए चलता हूँ आपको अपने कॉलेज। ये देखिए हमारा जो कॉलेज है ये दिख रहा है, ये हॉस्टल है। हॉस्टल के जस्ट बगल में जो येलो कलर का है वो हमारा कॉलेज है। तो हॉस्टल के बारे में आगे भी मैं बताऊंगा कैसे क्या हॉस्टल है। तो चलिए चलते हैं कॉलेज में, देखिए कैसे स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। पैसों से भर लो है खीसा, लुगाई ले जा रहे उड़ीसा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो बस वगैरह है वो बहुत ही भरी चलती है। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है बहुत ही कम है, इस वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं आने में बहुत परेशानियाँ हो जाती है। कभी कभार तो बस भी नहीं मिलती है। तो देख सकते हैं ये मेन गेट है पॉलिटेक्निक कॉलेज का और जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का मेन गेट है जहाँ से सब स्टूडेंट जाते हैं। और चलिए अंदर का व्यू आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा कॉलेज है, मतलब कॉलेज जो है छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा कॉलेज है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये कॉलेज है। और ये हमारी साइड में लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। क्लासरूम है, क्लासरूम भी काफ़ी बड़े क्लासरूम है जो कि छोटे छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े क्लासरूम है। और मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट आ सकते हैं। ये देखिए हमारा कॉलेज का ग्राउंड है, हालांकि ग्राउंड मैंने अभी पूरा दिखाया नहीं ना, ये तो इसके पीछे भी एक ग्राउंड है, मतलब काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, फील्ड काफ़ी है कॉलेज की। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने हॉस्टल में, थोड़ा हॉस्टल हॉरर टाइप का है तो देखिए कैसा है हॉस्टल। तो जैसा कि आपने अभी हमने आपको हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा दिखाया, तो हॉस्टल थोड़ा सा बना हुआ नहीं है, इस वजह से अभी इनकम्प्लीट है। ये देखिए छोटा सा मिनी ग्राउंड है जो कॉलेज के अंदर बना हुआ है, मतलब इसमें वॉलीबॉल वगैरह की प्रैक्टिस कराई जाती है, बैडमिंटन की। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कॉलेज को एक बार फिर से। तो ये जो कॉलेज है थोड़ा सा इसका जो मेन गेट है वो मेन रोड से मतलब अंदर की तरफ है, जो गांव है उसकी तरफ गेट है। मतलब मेन गेट तो दो हैं बट मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पीछे जो है कॉलेज है और जो मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, जस्ट जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो राइट हैंड पे है ये जनसठ के लिए रोड जाती है और जस्ट हमारे जो लेफ्ट हैंड पे है ये मवाना रोड की तरफ जाती है रोड, तो देख सकते हैं। और बस और ये देखिए यहाँ का जतवाड़ा जो है ये बस स्टॉप है, यहाँ से आप बस स्टैंड कह सकते हैं, यहाँ से बस जो है आती है और यहीं से बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो बस पकड़ते हैं जानसर के जाने के लिए। और यही रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लस बेल आइकन को प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा ब्लॉग। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू फॉर